शुजाबाद थाना सिटी चौक चिंकी रिक्शा स्टैंड में तब्दील ट्रैफिक का जाम होना मामूल बन गया, शहरी परेशान, नोटिस का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद थाना सिटी चौक चिंकी रिक्शा वालों का स्टैंड बन गया, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, चलने वाले मुसाफरों को भी शदीद मुश्किलात दरपेश। मुसाफरों का कहना है कि जब रिक्शा ड्राइवर हजरात को रास्ते से रिक्शा हटाने का कहा जाता है तो गाली गलौज से बात करते हैं और स्कूल कॉलेज के जाने वाले तलबा और तालबात को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ना जमीन कांपी ना आसमान फटा, सीनियर की तहसील लाने के सहाफी दोस्तों और DSP लालिया और दबंग SHO अर्शद खरल के लिए गरीब को इंसाफ लेकर देने के लिए कड़ा इम्तिहान। तहसील लाने की दोनों सियासी पार्टियां ठग के सामने बेबस और लाचार, गरीब मुदई अपने मासूर बच्चों के साथ सियासी ढेरों पर सजदे देख देख कर थक गया। उम्मीद की आखिरी किरण DPO चुनौत के पास दरख्वास्त लेकर पहुंच गया। अब भी अगर इंसाफ ना मिला तो जलसले का रुख बालाकोट और कश्मीर नहीं बल्कि तहसील लालिया होगी। शनोट जुराम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाई, नाजायज असलहा मनशात बरामद होने पर 4 मुलजमान गिरफ्तार, 2 मनशात फरोशों के कब्जा से 3 किलो से जायद चरस बरामद। 2 मनशात फरोशों के कब्जा से 3 किलो से जायद चरस बरामद, नाजायज असलाह में पिस्टल, बंदूक और गोलियां बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में शफकत जाकिर, जुल्कनैन और चांद शामिल हैं। चनोट मोहल्ला ठेठी चरकी बरामदे की छत गिर गई, बोसीदा छत होने की वजह से गिरी। छत गिरने से एक खातून और एक बच्चा जख्मी, गजाला बीबी जोजा इमरान उम्र 28 साल, जबकि मोहम्मद अब्बास वल्द इमरान उम्र 3 साल, सकना मोहल्ला ठेठी चरकी जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। शुजाबाद के बानी सईद शुजात शाह के मकबरे की हालत ज़ार, जो म्यूनसिपल कमेटी और महकमा औकाफ की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद के बानी सईद शुजात शाह, जिनके नाम पर शहर शुजाबाद का नाम रखा गया, इनके तारीखी मकबरे की हालत ज़ार, जो म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद और महकमा औकाफ की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। सईद शुजाबाद शाह के मकबरे की दीवारों की ईंटें तक गायब हैं, दरवाजे खिड़कियाँ अलमारियों तक गायब, जो शुजाबाद है म्यूनसिपल कमेटी और महकमा औकाफ की नाअहली का मुबोलता सबूत है। खबर शामिल करते हैं रिनाला खुर्द से, थाना शोशक की हदूद में ठट्टा चाकर का में कत्ल, घरेलू झगड़े और लेन देन के मामले पर 60 साल शख्स सगे भाई के हाथों कत्ल। लियाकत वल्द सरवर को इसके सगे भाई साबिर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई, लाश को तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश जारी है। अफसोसनाक खबर शामिल करें, मियांवाली का इलाका भट्टियां में दिल हिला देने वाला वाकया पेश आया है। गुज़श्ता रोज़ घर से लापता होने वाला तकरीबन 8 साल मोहम्मद इब्राहिम सकना भट्टियां की लाश बाड़े से बरामद हुई है। इब्राहिम कल शाम घर से लापता हुआ था। रात 1 बजे 8.5 साल का मोहम्मद इब्राहिम की लाश घर के नज़दीक बाड़े से बरामद हुई। इतने बड़े जुल्म की दास्तान आज सुबह सामने आई। डेरा गाजी खान फैक्ट्री इलाका थाना सदर मुसलर मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने दुकान पर बैठे हुए शहरियों को लूट लिया और मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। दुकानदार गुलाम सरवर ने एक डाकू को पकड़ लिया, जिस पर डाकुओं के साथियों ने फायरिंग करके गुलाम सरवर को शदीद जख्मी कर दिया। डाकू ने गुलाम सरवर की मदद को आगे बढ़ते हुए 2 शहरी मोहम्मद फैसल शबीर मोहम्मद को भी फायरिंग करके जख्मी कर दिया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर शहरियों को इकट्ठा होना पड़ा। डाकू हवाई फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए।